हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं दया टेक हिंदी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट या फैक्ट्री डाटा रिसेट कैसे करेंगे। मुझे मालूम है कि ये अधिकतर लोगों को पता है, लेकिन हाँ मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे मोबाइल को फैक्ट्री डाटा रिसेट या फॉर्मेट करेंगे। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग पे जाना है। तो चलिए सबसे पहले सेटिंग ओपन करते हैं। जब सेटिंग ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रीसेट या फैक्ट्री डाटा ओपन करना है। अगर आपके सामने अगर किसी किसी मोबाइल में ये डायरेक्ट यहाँ पर शो नहीं होगा तो क्या करना है, आपको ऊपर देख सकते हैं सर्च बॉक्स है, यहाँ पर आप इरेज ऑल डाटा या फैक्ट्री रीसेट डाटा कोई भी आपको टाइप करना है। जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पर शो होने लगेगा। आप यहीं पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर आपसे यहाँ नीचे पढ़ लें कि कहाँ पे जाना है और कैसे जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए बैक चलते हैं। तो सेटिंग पे मेरे पे लिखा हुआ था कि नीचे पे अबाउट में जाना है, तो यहाँ सिस्टम पे जाना है। सिस्टम पे जाने के बाद नीचे एडवांस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे स्लाइड करके देखेंगे तो यहाँ पर रीसेट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर लास्ट में देख सकते हैं इरेज ओल्ड डाटा फैक्ट्री रिसेट डाटा लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका यहाँ जितने भी गूगल अकाउंट है, जैसे गूगल अकाउंट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, डुओ हो गया, कॉलर ट्यून हो गया, सभी इरेज हो जाएगा। उसके बाद आपको रिसेट करना है। उसके बाद आपको मोबाइल के स्क्रीन लॉक यहाँ पर डालना है, जो भी आप मोबाइल में स्क्रीन लॉक लगाएं वो डालना है। डालने को ओके करिएगा तो आपका मोबाइल रिसेट हो जाएगा। हाँ दोस्तों, मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाकर लाता रहूँ।